में भी इतने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी है और दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी से है। ये देखिए फ्रेंड्स। नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक और नई डिश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी खाना खजाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो सभी को बहुत पसंद आएगा, यानी कि आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा, जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। ये हमने लिए 5 से 6 ब्रेड, अभी इनको रखते हैं साइड में और पहले करते हम बाकी की तैयारी। ये लिए हमने एक लहसुन की गांठ और इसको ग्रिल कर लेते हैं इस तरह से, इसमें लगा के गैस पे सेक लेंगे। इस तरह से हम इसे गैस पे सेक लेते हैं ताकि इसकी एकदम खुशबू बहुत अच्छी सी आए। फिर हम इसके ऊपर का सॉस बनाएंगे, यानी कि हम ये लहसुन एड करके हम जो गार्लिक ब्रेड के ऊपर लगाने का बटर बनता है वो बटर बनाएंगे, जो कि इस तरह सेक के डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सीख गए हैं, ये इसको बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में लेके अच्छी तरह से सील लेते हैं। छिलके इसके हम अंदर से ग्रीन निकालेंगे कुछ इस तरह से। एकदम सौंधे सौंधे से खुशबू आ रही है। इसी तरह सारी गिरी निकालेंगे। लहसुन को हमने छील लिया है, अब इसे बारीक चॉप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। पूरी लहसुन को इसी तरह से चॉप कर लेंगे। ये लिया हमने बटर और इसमें हमने जो लहसुन चॉप करके रखा था वो एड, ये 50 ग्राम बटर है, इसमें हम ये लहसुन ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें गार्लिक बटर भी बनाना है इसके लिए। ये सारा लहसुन हम इसी में ऐड कर देंगे, साथ में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ओरिगानो, थोड़ा सा हरा धनिया और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हम जो ये डिश बना रहे हैं उसे खाके कमेंट जरूर करें, इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये यदि बटर बच भी जाए तो 15 दिन तक खराब नहीं होता है फ्रिज में, तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बटर बनके रेडी हो गया है। एक ये लिया है हमने चकला, इसलिए हम इन ब्रेड को रख रख के ऐसे राउंड राउंड कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सारी ब्रेड को इसी तरह से कट कर लेंगे, जो साइड की ब्रेड बचेगी वो हमारे ब्रेड क्रम्स में काम आ जाएगी, उसे भी हम फेंकेंगे नहीं। कुछ इस तरह से सारे ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। ब्रेड को हमने कुछ इस तरह से कट कर लिया है और अब इनके ऊपर जो हमने गार्लिक बटर बनाया था उसे इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं सभी में। कुछ इस तरह से बटर ऐड कर देंगे, सभी पे हमने बटर ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। यहाँ लिया हमने एक नॉनस्टिक तवा और गैस को ऑन कर दिया है। अब जो हमने बटर लगाया था वो साइड तवे के नीचे की साइड रखते हैं और इस तरह से सारी ब्रेड्स को तवे पे ऐड कर देंगे। जब तक हमारी ब्रेड थोड़ी सिकती है हम एक तैयारी और करेंगे, पिज्जा ब्रेड या ब्रेड पिज्जा जो भी, उसके लिए हम ये लिए हमने मोजरेला चीज, शिमला मिर्ची, सबको हमने डाइस कट कर लिया है। टमाटर का भी हमने गुदा निकाल के इसे कटिंग कर लिया है चौरस टुकड़ों में। प्याज को भी हमने चौरस टुकड़ों में कटिंग किया है और ये है कॉर्न। साथ ही हमने लिया है
पिज्जा सॉस जो कि अब हम लगाने वाले हैं। सभी ब्रेडों को वापस पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनके ऊपर हम लगाएंगे पिज्जा सॉस कुछ इस तरह से। गैस को रखेंगे लो फ्लेम पे ताकि हमारी ब्रेड जले नहीं, और सभी को इस तरह से पिज्जा सॉस लगा देते हैं। सभी पे हमने पिज्जा सॉस लगा दिया है। अब इनके ऊपर रखेंगे शिमला मिर्ची, प्याज, सभी पे इसी तरह से प्याज रखेंगे। उसके बाद टमाटर रखेंगे, हम रखेंगे इनके ऊपर टमाटर, थोड़े थोड़े कॉर्न, और लास्ट में हम इनके ऊपर रखेंगे चीज। चीज आप कम ज्यादा किसी भी रख सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। अब हम बीच में रखेंगे इसके एक छोटी सी कटोरी में पानी, और इनको इस तरह से कवर कर देंगे ताकि चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीज मेल्ट होने से पहले हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा हरा धनिया कुछ इस तरह से। और वापस रख देते हैं। अब हम इस पर करेंगे थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा थोड़ा ऑरिगानो, और हमने इसमें अलग से नमक नहीं ऐड किया है, तो हल्का हल्का नमक भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और ढक के चीज मेल्ट होने देते हैं। चीज मेल्ट हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस को करते हैं बंद और हम इन पेड़ पिज्जा को सर्व करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेड पिज्जा बन के रेडी, एकदम फटाफट से बन जाने वाला नाश्ता है। आप इसे बना के टिफिन में भी दे सकते हो, और शाम के चाय के साथ भी खा सकते हो, या बच्चे की छोटी मोटी पार्टी हो उसमें भी आप सर्व कर सकते हो। ये देखने में